आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। यह आंदोलन पश्चात प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड व अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। इसमें छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा स्त्रियों व शूद्रों को भी योगोपवित्र धारण करने व वेद पढ़ने का अधिकार दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। इसी के तहत गाजीपुर आर्य समाज की स्थापना के 121वें स्थापना दिवस और महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें जयंती पर विशाल वैदिक महोत्सव का आयोजन गाजीपुर के लंका मैदान में 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसको लेकर आज आर्य समाज मंदिर चीतनाथ घाट पर एक बैठक किया गया, जिसमें कार्यक्रम को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। कुछ तौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है, ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है, उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें, नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत। सारा जो वैदिक कार्यक्रम होना है उसको लेकर आज जो बैठक की जा रही है, किस तरह की बैठक है और क्या कार्यक्रम रहेगा? चूंकि ये कोविड पेंडेमिक के बाद पहली बार हम लोग काफी विशाल वैदिक महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और गाजीपुर जनपद में ऐसा हम लोगों का विश्वास कि इसके पहले इतना बड़ा आयोजन अभी तक नहीं हुआ था। इस आयोजन में दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो ये कि इस वैदिक महोत्सव के साथ 200 कुंडी यज्ञ का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और साथ ही इसमें देश के तमाम आर्य विद्वान और भजनोपदेशक इस कार्यक्रम में पहली बार आ रहे हैं, जिनकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर है, इनका प्रोग्राम एक साथ एक मंच पर जल्दी कम मिल पाता है, तो इसलिए यह आयोजन एक बहुत बड़ा है। और दूसरा ये कि विशाल एक शोभा यात्रा हम लोग आयोजन कर रहे हैं वैदिक महोत्सव से एक दिन पहले 20 तारीख को, जो नवाब साहब के फाटक से होते हुए नगर को भ्रमण करते हुए लंका मैदान पर जाकर समापन होगा और इस माध्यम से लोगों में जन चेतना पैदा करना है, लोगों के अंदर आर्य समाज परिवार के साथ ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिन विचारों को लेकर पूरे समाज में बदलाव लाया, छुआछूत कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी बलिदानियों को उनके जागृत करने का जो महर्षि ने प्रयास किया, उन महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों को और वेदों को लोगों तक जन जन पहुंचाने का कार्य इस विशाल वैदिक महोत्सव के माध्यम से किया जा रहा है।